नमस्कार, खबर नाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षिता। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। सावन माह की चौथे सोमवार को शिव मंदिरों पर गंगा जल चढ़ाने के लिए रविवार को सैकड़ों वाहनों के साथ भारी संख्या में हरदोई सहित कई जनपदों के कांवड़िए बिलग्राम के राजा घाट पर गंगा जल लाने के लिए रवाना हुए। शिव भक्तों की सेवा का पूरा इंतजाम हरदोई मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी फरदापुर में स्थित श्री ब्रह्मादेव मंदिर पर अवनीश कुमार मिश्र नन्हे की अगुवाई में चल रहा है। आने वाले हर शिव भक्त के लिए चाय, मीठा, नमकीन, भोजन, फल फ्रूट आदि के अलावा दवा आदि की भी सारी व्यवस्था कर रखी है। इनमें से प्रमुख रूप से अरुण गुप्ता, कल्लू रस्तोगी सहित तमाम शिव भक्तों का सहयोग रहता है। अवनीश मिश्र ने बताया कि पूरे सावन माह में 24 घंटे भंडारा चलता है। वे एक माह तक अपना सब काम का छोड़कर 24 घंटे केवल शिव भक्तों की सेवा का कार्य करते हैं। रविवार को शिव भजनों व संगीतमय कीर्तन की धुन पर नाचते झूमते भक्त कांवड़िए भंडारा ग्रहण करके आगे बढ़ते रहे। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष शिव शंकर पांडेय, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा राम बहादुर सिंह ने भी भंडारे में शिव भक्तों व कांवड़ियों की सेवा की। आप यहाँ कब से कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं और आपको ये कैसे सेवा करने की प्रेरणा मिली? 7 साल सातवां कांवड़िया भंडारा है। 7 साल पहले जब हम हरदोई जा रहे थे आषाढ़ी के 2 दिन पूर्व, यहाँ 3 कांवड़ियों की जेब करते और उनको मैंने 100 रुपये दिए। 5 जोड़े भैया ये बाबा जी की कृपा हमारे पास। उसी दिन 10 मिनट में निर्णय लिया और अपने जो भी छोटी मोटी व्यवस्था थी बाबा जी के कारण में पूरे महीने हम एक छोटे व्यवसायी भी हैं। पैर दाबना अपने हाथ से करते हैं, दाबते हैं और दिन रात उनकी जो सेवा हो पाती है उस सेवा करते हैं पूरा पूरा प्रयास और बाबा की ही दया से। भंडारा पूरे महीने तक चलता है, साड़ी से रक्षा बन गई बाबा की कृपा से। आप यहाँ कब से सेवा कर रहे हैं और आपको सेवा करने से इसका क्या लाभ मिल रहा है? हम करीब 7 वर्ष हो गया है यहाँ जो है बाबा से। जब से ये भंडारा शुरू हुआ है तब से जो है 24 घंटे कोशिश करते हैं यहाँ रहने की। और लाभ की बात ऐसी है, जब से हम बाबा के चरणों में आए हैं तब से हमारा कोई काम बिगड़ नहीं रहा है। जो भी है वो बाबा के नाम से हमारा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और सेवा करते करते कभी कभी 24 घंटे हो जाते हैं। और 24 घंटे में न तो हमको कभी थकान महसूस हुई और न कभी ऐसा लगा है। हमारे यहाँ के जो है नन्हे भैया है और गुप्ता जी है, ये करीब हमारी 15-20 लोगों की एक टीम है और उस टीम में जो है कोई रात को कोई दिन को, मतलब एक महीने जो है हम लोग बाबा की परमानेंट सेवा करते हैं और ये सेवा जो है आज 7वां साल हो गया है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।